इस तरह से हमारी सुरमई फ्राई, फिश फ्राई, सुरमई फिश फ्राई बन चुकी है। बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है फिश का, मसाले का मतलब कि। हाय गाइस, आज हम बनाएंगे सुरमई फिश। ये फिश कैसी होती है कि थोड़ी सॉफ्ट होती है, इसमें कांटे कम होते हैं, और इसको हम सब्जी के रूप में मतलब कि ग्रेवी में नहीं डाल सकते क्योंकि ये ज़्यादा मतलब कि टूट जाती है। तो इसको हम जनरली फ्राई करके खाते हैं, तो इसको हम मसाला फ्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस टाइप की ये सुरमई फिश होती है। ये बड़ी फिश थी तो मैंने 900 ग्राम फिश ली थी, तो इसमें से मैंने छोटे छोटे 4 से 5, लास्ट के 4 से 5 पीस निकाल के रखे हैं जो मुझे हल्दी के न हल्दी और नमक में बस फ्राई करने हैं। तो ये फिश हमने लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये अदरक लहसुन की पेस्ट लिए और 2 टेबल स्पून के बराबर से हमने नींबू का रस लिया है। तो सबसे पहले ये अदरक लहसुन की पेस्ट और नींबू और नमक, ये चीज़ें हम ये फिश को लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। एक प्लेट लिया मैंने, इसमें ये अदरक लहसुन सेम क्वांटिटी में लिया है मैंने, तो 2 टेबल स्पून के बराबर से इसमें पानी है थोड़ा पीसने के लिए डाला हुआ, तो 2 टेबल स्पून के बराबर से ये स्पून लिया है बड़ा, इसके बराबर से ये मैंने अदरक लहसुन लिया है। इसके हिसाब से हम नमक लेंगे, जितना हम अदरक लहसुन लिया है इसके हिसाब से, और नींबू का रस डालेंगे और इसको मिक्स करके ये जो फिश है ये फिश को हम सब तरफ से ऐसा ये अदरक लहसुन और नींबू नमक ये लगा लेंगे। ये बहुत सॉफ्ट फिश होती है, मतलब कि इसको हम ग्रेवी में डालते हैं तो इसका मतलब इसमें काटा नाम की चीज़ बहुत कम होती है, नाक के बराबर ही होती है। तो इसको हम बस ऐसे ही फ्राई करके एक स्नैक्स के तौर पे या फिर रोटी के साथ ऐसे खा सकते हो आप। ये लगा के इसको ढककर मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी। ये बची हुई अदरक लहसुन की पेस्ट हम जब मसाला इसको लगाएंगे तब उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे। इससे क्या होगा कि अंदर तक इसका अदरक लहसुन की टेस्ट, नींबू का रस जाएगा तो हमारी फिश का टेस्ट बहुत ज़्यादा उभर के आएगा। अब इसको इस तरह से लगा के ढक के रख देते हैं आधे घंटे के लिए। ये फिश साइड में रख देते हैं। रवा लिया है हमने इसको लगाने के लिए, आप चाहे तो इसमें चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हो। तो ये रवा हमें प्लेन नहीं लेना है क्योंकि इसकी टेस्ट फिर बराबर से नहीं आएगी, तो इसमें रवे के हिसाब से नमक डालेंगे थोड़ा, क्योंकि अंदर भी नमक बराबर से डाला है हमने। और ये जो स्पून है मेरा, इसका ये 1 टीस्पून, और लाल मिर्च पाउडर जो है कश्मीरी वो डालिए, थोड़ा सा पिंच भर मसाला डालेंगे और इन सबको
रवे में मिक्स कर लेंगे, मतलब कि बाहर से जो बैटर होगा हमारा वो भी टेस्टी लगेगा, वो ऐसा फीका फीका नहीं लगेगा। तो अभी मैं गैस पे तवा, वैसे तो आप ये लोहे का तवा जो है इस पर ये फ्राई अच्छी होती है, लेकिन मेरा तवा बहुत ज़्यादा फ्लैट रहने से तेल सब बाजू बाजू निकल जाता है, तो मैं, मेरे पास दूसरा दवा है नॉनस्टिक का, थोड़ा पुराना हुआ है, वो इस दवा इस्तेमाल करूँगी। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि लोहे के तवे पर क्या होता है कि कोई फिश वगैरह हम डालते हैं तो पहले चिपक जाती है, तो इसको पहले तेल लगा लेना है और उसके बाद गर्म करने के लिए रखना है। तवा गर्म करने के लिए रख दिया, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दूँगी मैं। और ये फिश लेंगे हम, इस तरह से आप फिश बनाओगे तो बिल्कुल भी इसका मसाला नहीं निकलेगा तेल में। ये सब तरफ से हमें ऐसी लगा लेनी है इसको रवा, और ये ऐसे तवे पे हमारे तीन पीस हम रख देंगे फ्राई करने के लिए। तो उस तरह से आप जितना बड़ा तवा है वैसे हिसाब से, बहुत ज़्यादा उसमें कंजस्टेड भी मत कीजिए कि आप जब पलटी करोगे या उसको पलटाओगे तो वो एक दूसरे को उसका जो उलटना है वो लग जाए और वो फिश टूट जाए, तो ऐसे भी नहीं करना है। जितनी जगह है उतने हिसाब से ही बराबर से फिश रखनी है हमें। तो इस टाइप से हमें ये जो रवा है रवे में हमें डिप कर लेनी है। तो आप इस टाइप से बनाओगे तो बिल्कुल भी तेल में ये मसाला नहीं उतरेगा और आपकी फिश भी बराबर से क्रिस्पी बनेगी। हमने सब तरफ से बराबर से रवा लगा लिया है, तो अभी हम तवा भी हमारा गर्म हो जाएगा, इसको तवे पे हम डाल देते हैं। ये देखिए सब तरफ से, अब देख सकते हो तवा गर्म हो चुका है। अब हम ये फिश इसमें डाल देंगे हल्के हाथ से। इसको हम 2 से 3 मिनट तक इसी साइड से होने देते, अभी बिल्कुल भी इसको हाथ नहीं लगाते। तो जब पलटना होगा तब मैं वापस आपको बताऊंगी। इसको अभी धीमी आंच पे मीडियम फ्लेम ही रखा है, बिल्कुल भी बड़ा फ्लेम नहीं किया है। हम सबसे पहले ये फिश डाली थी तो हम थोड़ा सा तवा घुमा लेते और सबसे पहले डाली हुई फिश को हम पलटा कर देते। अब देख सकते हो कितना प्यारा कलर भी आया है और हमारी फिश अच्छी से फ्राई भी हो चुकी है। तो इसको भी हम पलट देते। इसको भी अब पलट देंगे। और अब इसको बराबर से आप देख सकते हो इधर से ये क्रिस्पी हो चुकी है, आपको आवाज़ आ रहा होगा। तो इधर की भी साइड से ऐसी क्रिस्पी होने देते हैं हम फिश को। ये सुरमई फिश ऐसे पैक की बहुत अच्छी लगती है फैसले, मैंने ऐसी ये मालवण में खाई थी तो मुझे तब से ये फिश, हम वैसे सुरमई फिश में पहले, इसके पहले ज़्यादा कभी नहीं खाई हूँ मैंने, जब से मालवण में खाई है तब से फिर मैं बनाने लगी हूँ। नहीं तो मैं, हम वाम और पॉपलेट बस यही फिश हमें पता थी, तो मालवण की वजह से मुझे ये फिश का भी पता चला और रेसिपी का भी पता चला। इसको साइड से हाथ से थोड़ा सा किनार भी इसकी बराबर से कर लेते हैं। देखिए ये दोनों तरफ से हमारी फिश खुश्की हो चुकी है, इसको अब हम निकाल लेते हैं। देखिए इधर की साइड बहुत अच्छी फिश बनी है हमारी, इसको निकाल लेते हैं और थोड़ा तेल डालेंगे। देखिए ये तीनों फिश निकालिए, अभी
इसको तेल डालेंगे। और अगली फिश भी मैं आपको डाल के बताऊंगी। ये फिश भी हम डाल देते हैं, 3 पीस जो हमने बना के रखे हैं। वैसे ही पलट देते, पहले डाला पहले पलटते। इसी तरह से इनको भी बराबर से फ्राई कर लेते हैं। फ्राई होने के बाद मैं आपको बताऊंगी। ये फिश भी फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम निकालते हैं। आप देख सकते हो, आपको मैं बताऊंगी। बहुत अच्छी क्रिस्पी कोटिंग बनी है। गैस बंद कर दूंगी। अब इनको हम सर्व करते हैं। आपने ये सुरमई फिश फ्राई की रेसिपी देखी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताई है। और सिंपल तरीका ही है, इसमें कोई तामझाम है ही नहीं। तो आप जरूर मुझे थोड़ी सी खांसी आ रही है क्योंकि तेल में वो उसका मसाला थोड़ा सा रहता है। तो आप ये इस टाइप की फिश जरूर ट्राई कीजिए, और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।